वीडियो में मुकेश सहनी जी ने बताया कि मिर्ची लगेगी, मिर्ची लगेगी और मिर्ची लग चुकी है। अभी लोग अपने हिसाब से देश में दुनिया में जिसको जो चीज खाना वो खा रहे हैं, जिनको जो सुरक्षा है वो खा रहे हैं। ट्वीट में हमने दिनांक दे रखा है, डेट का जिक्र किया है कि कुछ लोगों को मिर्ची लगेगा। हमने उसमें कहा कि कुछ लोगों को मिर्ची लगेगा, तो कृपया करके मिर्ची लगे तो मिर्ची मांग लीजिए। और हम तो IQ टेस्ट भाजपा के नेताओं का और अन्य भक्तों का ले रहे थे, जिसमें कि हम सही साबित हुए। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। इस चैत्र नवरात्र में भी क्या नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मछली खाई है? देखिए, कल एक वीडियो जारी किया गया है मुकेश सहनी के साथ, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, वीडियो दिखा रहे हैं। मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव हैं, जब हेलीकॉप्टर से उड़ान भर रहे हैं, चुनावी सभा को संबोधित करने जा रहे हैं, तो उस दौरान उन्होंने मछली और रोटी खाई है, प्याज और मिर्ची भी खाई है। और मुकेश सहनी ने उस वीडियो में कहा था कि हमारे विरोधियों को मिर्ची लगेगी, लेकिन बात यह है कि चैत्र नवरात्र चल रहे हैं, इस नवरात्र में भी क्या तेजस्वी यादव ने मांसाहारी भोजन किया? मुकेश सहनी के साथ मांसाहारी खाना खाया? चैत्र नवरात्र चल रहा है, अभी चैती छठ पर्व मनाया जाएगा, तो ऐसे में फिर सनातन की जो बात करते हैं, जो हिंदू धर्म की बात करते हैं, तो कहाँ ये हिंदू धर्म दिख रहा है, कहाँ ये सनातन धर्म दिख रहा है? तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष है, आज भी चुनावी सभा को संबोधित करने गए हैं, गया जा रहे हैं, औरंगाबाद जा रहे हैं, जमुई जा रहे हैं, आज औरंगाबाद में अमित शाह भी आएंगे। तेजस्वी यादव ने क्या कहा है उनके इस वीडियो पर, जो वीडियो हमने आपको दिखाया है, क्या नवरात्र में उन्होंने मछली खाई है? बीजेपी के नेता सवाल खड़े कर रहे हैं, डिप्टी सीएम है विजय सिन्हा, इसके अलावा तमाम नेता बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो सवाल खड़े कर रहे हैं, क्या नवरात्र में भी, नवरात्र के इस पावन त्यौहार के समय भी तेजस्वी यादव ने मांसाहारी खाना खाया, मछली खाया? मछली खाया तो दिख रहा है, लेकिन ये वीडियो कब का है? तेजस्वी यादव क्या कर रहे हैं? मुकेश सहनी क्या कर रहे हैं? चुनावी सभा को संबोधित करने जा रहे हैं तेजस्वी यादव के साथ, औरंगाबाद, जमुई, गया, क्या कुछ दोनों ही नेता कह रहे थे, जरा सुनिए। अमित शाह आए या प्रधानमंत्री आए, चुनाव में सबको अधिकार है आने का। हम तो कह रहे हैं भाजपा में अगर इंटरनेशनल नेता भी है तो उनको भी बुला ले, कोई दिक्कत नहीं है। मछली रोटी को लेकर मछली वाला वीडियो तुमने डाला है, वो मछली खाने का सवाल कर रहे बीजेपी के नेता। एक 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 उस वीडियो में मुकेश सहनी जी ने बताया कि मिर्ची लगेगी, मिर्ची लगेगी और मिर्ची लग चुकी है। और दूसरी बात सुनो, ट्वीट में हमने दिनांक दे रखा है, डेट का जिक्र किया है, जो वीडियो डाला है उसमें 8 तारीख का जिक्र कर रखा है। और हम तो IQ टेस्ट भाजपा के नेताओं का और अन्य भक्तों का ले रहे थे, जिसमें कि हम सही साबित हुए हैं। इतनी प्रमुखता से ये मुद्दे की बात नहीं करते, बेरोजगारी की बात नहीं करते, गरीबी की बात नहीं करते, शिक्षा स्वास्थ्य की बात नहीं करते, लेकिन धर्म की जहाँ तक बात आती है कूद गए हैं सब। लेकिन इनके बेचारे नेता ना तो पढ़ते हैं, ना इनको कुछ समझ में आता है, एकदम अज्ञानी लोग हैं। और उसी तरीके से लोग जो हैं बयानबाजी कर रहे हैं। अरे नेता जितने हैं या जो लोग कमेंट कर रहे हैं या जो लोग सवाल उठा रहे हैं, कम से कम ट्वीट तो पढ़ लेते हैं, उसमें डेट का जिक्र है कि नहीं है, आप ही बताइए। पहले लाइन में ही 8 तारीख लिखा है दिनांक। ये तो हमने टेस्ट लिया जिसमें भाजपा पूरी तरीके से फेल हो चुकी है और उनके लोग भी फेल हो चुके हैं। आज औरंगाबाद जा रहे हैं, गया जा रहे हैं, जमुई जा रहे हैं और रोज लगातार आज 3-3 जनसभाएं हैं। मजबूती से हम लोग अपने लोगों के बीच में जा रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता की बात कर रहे हैं, जो बिहार में देश में जो समस्या है उसको लोगों के बीच में रख रहे हैं। और आने वाला समय में पूरा विश्वास है कि मजबूती से हम लोग कामयाब होंगे। सब आए बिहार में, गृह मंत्री जी आए या देश के प्रधानमंत्री जी आए, जो भी आए वो आए, स्वागत है उनको। लेकिन वो 10 साल पहले 2014 में 2019 में उन्होंने जो भी जनता से वादा किए हैं, उनसे हाथ जोड़ के आग्रह करते हैं कि जो वादा किए उस पर आप स्टेटमेंट दीजिए, उस पर भाषण दीजिए कि आप क्या किए। जो आपने वादा किया था कि मोतिहारी का चीनी मिल चालू करेंगे, क्या वो चीनी मिल चालू हुआ? आपने स्मार्ट सिटी कहा था बनाएंगे, वो आपने बनाया? तो जो आपने वादा किया था वो पूरा किए कि नहीं किए वो बताइए। विपक्ष को मंच पे आके गाली देना ये सही नहीं है। गाली देने के लिए तो आप कभी भी दे सकते हैं और हम लोग खाएंगे, आप मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है।
आप रात को 8 बजे आते हैं कि देश का नोटबंदी कर देते हैं या तमाम ताली बजवाने लगते हैं या थाली पिटवाने लगते हैं, वो जो काम आप 8 बजे करते हैं उस समय में आके देश के विपक्ष को गाली दीजिए, लेकिन जब मंच हो जहाँ हजारों जनता हो, बिहार के लोग हो, युवा हो, जो एक उम्मीद से आपके पास आ रहे भाषण सुनने के लिए, वहाँ पे एक आप अच्छे भाषण दीजिए कि आपने जो रिपोर्ट कार्ड पेश कीजिए कि आपने जो जो वादा किया था वो पूरा किए कि नहीं किए, इस पे काम कीजिए। अभी खाने का चीज है वो खाए नहीं रहा, हमने तो पहले कहा कि कुछ लोगों को मिर्ची लगेगा, हमने उसमें कहा कि कुछ लोगों को मिर्ची लगेगा, तो कृपया करके मिर्ची लगे तो मिर्ची मांग लीजिए, मिर्ची लगे। देखिए ये आप अगर उसमें देखिएगा वीडियो, तरसों का ही वीडियो है, उसमें डेट भी लिखा 8 तारीख का ये है। अब उसके बाद भी विपक्ष के पास कोई बात ही नहीं ना करने का, वो उसके पास कोई एजेंडा ही नहीं है। अभी ऐसे ऐसे चीज के ऊपर जनता के बीच में बात कर रहे हैं, अब बताइए खाने पीने की चीज है तो बहुत सारे लोग वेज खाते हैं, बहुत सारे लोग नॉन वेज खाते हैं, सबका अपना मन है, तो जरूरी कहाँ है? ये किसने कहा कि नवरात्र में वो है? उसमें डेट लिखा हुआ है कि किस तारीख को हमने खाया, उसमें लिखा हुआ है, डेट लिखा हुआ है। और रहा कि 30 रोज किसको क्या खाना, यही तो विपक्ष सत्ता पक्ष को सोचने की आवश्यकता है कि जनता के बीच में बात क्या रखना है। धर्म के ऊपर बात रखते हैं, खाने पीने की बात रखते हैं, अरे भाई आपने जो जनता से वादा किया था चुनाव जीतने से पहले वो पूरा कीजिए ना। अभी लोग अपने हिसाब से देश में दुनिया में जिसको जो चीज़ खाना वो खा रहे हैं, जिनको जो सुरक्षा है वो खा रहे हैं। हम नहीं मानते, हम भी छठ पूजा करते हैं, हम भी पूजा करते हैं, जिस समय पूजा करते हैं उस समय में लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं, हम लोग भी नहीं खा रहे, तो इसका क्या मतलब है? अब जिसको जो खाना है वो खाएगा। अब हमारा कौन सा वीडियो कब का है, कभी अपलोड हो रहा क्यों जाए, उसमें क्लियर लिखा हुआ है हम मछली खाते हैं। उम्मीदवार नहीं मिल रहा मुकेश सैनी जी, ये सच है क्या? वो सब चीज समय आएगा तो आप लोगों को जानकारी मिल जाएगा। तो पटना एयरपोर्ट से रवानगी के समय में तेजस्वी यादव और मुकेश सैनी ने क्या कुछ कहा है आपने सुना है, अमित शाह पर भी कटाक्ष किया है, लेकिन बीजेपी को मिर्ची लगी है ये बात भी कही गई है। बीजेपी को वो चाहते थे कि मिर्ची लगे, बीजेपी को मिर्ची लगी है, और बीजेपी के लोगों का आईक्यू टेस्ट कर रहे थे तेजस्वी यादव ने खास करके कहा है, वो उनका आईक्यू लेवल देख रहे थे, उनका आईक्यू लेवल क्या है, वो मुद्दे की बात तो करेंगे नहीं। आपने दोनों ही नेताओं की बात को सुना है, तेजस्वी यादव ने क्या सफाई दी है, मछली वाला वीडियो जो है वो आपको दिखा रहा है, पहले आप ये मछली वाला पूरा वीडियो देखिए। आप सब लोग अभी देख रहे हैं कि हम लोग अभी मुकेश सहनी जी के साथ हैं और पूरा दिन भर हम लोग प्रचार किए हैं, और प्रचार करने के बाद हम लोगों को ये 10-15 मिनट मिला है जो हम लोग लंच कर सके, तो आज मुकेश जी जो है खाना लाए हैं लंच में, मछली लाए हैं और बहुत ही स्वादिष्ट मछली है, एक कांटे का मछली है, साथ में रोटी है, नमक है, प्याज है और हरी मिर्ची है। तो यही मौका मिलता है जब हम लोग जो है 10-15 मिनट का खाना जो है खा सके, और पूरे दिन भर से हम लोग प्रचार में लगे रहते हैं। तो मुकेश जी को हम धन्यवाद देते कि मछली खिलाया आज इन्होंने, और मछली कौन सा है, मछली कौन सा खा रही बताएंगे। ये मछली जो है खास करके मिथिलांचल में कोसी में पाया जाता है, इसका नाम है चेचरा, और मजबूती से हम लोग प्रचार प्रचार कर रहे हैं, और कोई थोड़ा सा समय मिलता तो वही हम लोग का लंच हेलीकॉप्टर में ही हो जा रहा है, और प्याज मछली और मिर्ची ये सारी चीज़ नमक है सारी चीज़ हम लोग खा रहे हैं, और खास करके ये वीडियो खास करके हमारे छोटे भाई तेजस्वी जी का और हमारा देखने के बाद कुछ लोगों को बहुत मिर्ची लगेगा, तो वो कृपया करके उसको मिर्ची ना लगे, वो मिर्ची हम लोग से मांग ले, और निश्चित तौर पे हम लोग मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं, सामाजिक न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और आने वाला समय में निश्चित तौर पे हमारे बिहार में बेहतर प्रदर्शन रहेगा, और हमारा उम्मीद है कि 40 से 40 सीट हम लोग जीतेंगे मजबूती से। तो जैसे मुकेश जी ने बताया चिचड़ा मछली जो है वो है, और ये चिचड़ा मछली जो है कोसी के इलाके में मिलता है, लेकिन बहुत गर्मी है, लू है, तो इसके लिए भी हम लोग जो है मट्ठा, और ये आपका बेल का जूस, और ये तरबूज का जूस, और ये सत्तू मट्ठा बेल का जूस जो है हम लोग जो है लेके चलते ताकि लू ना लगे, गर्मी बहुत ज्यादा होती है,
शरीर में डिहाइड्रेशन ना हो, उसलिए हम लोग जो है ये पीने का सामान लेकर के चलते हैं। और आप लोगों को बता दें कि पूरा बिहारी स्टाइल है, पूरा खाने का बिहार के लोग हैं हम लोग। और पूरा जो ठेठ बिहारी लोग जो सत्तू लेके चलता है, मट्ठा लेके चलता है, बेल का जूस पीता है गर्मी में, और ये तला हुआ मछली जो है एक कांटे वाला खाता, तो वही हम लोग का खाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मछली वाला पूरा वीडियो देखा है तेजस्वी यादव मुकेश सहनी ने, इस पर क्या कहा है आपने सुना है। आप लाइव स्ट्रीम साथ बन रहे हैं। वीडियो बताया जा रहा है कि 8 तारीख का है, यानी कि परसों, चैत्र नवरात्र की शुरुआत कल से हुई है, लेकिन विपक्षी खेमा कह रहा है कि नहीं, ये वीडियो कल का ही है जब तेजस्वी यादव हेलीकॉप्टर से उड़े थे और आकाश में ही मछली और रोटी का लुत्फ लिया है, मिर्ची भी खाई है। तेजस्वी यादव मुकेश सहनी ने क्या कुछ कहा है आपने वीडियो में सुना है, क्या सफाई दी आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।